नमस्कार, स्वागत है आपका आज सुबह में। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इसराइल की धरती पर कदम रखने वाला है, उस ताकतवर इसराइल की धरती पर जिसे मध्य एशिया के मुस्लिम देशों का दुश्मन नंबर वन माना जाता है। इस सबसे बड़े दौरे से पहले पीएम मोदी का क्या कहना है, देखिए पीएम मोदी का सबसे खास इंटरव्यू सुबह 10:05 पर आज तक पर। साथ ही सुबह 10:30 देखिए इसी यात्रा पर हमारा मॉर्निंग स्पेशल एक नया इतिहास बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस वीर तंत्र की जिस पर राष्ट्रपति तक फिक्र जता चुके हैं, प्रधानमंत्री नसीहत दे चुके हैं, लेकिन भीड़ का अंधा कानून कायम है। देखिए झारखंड के दुमका की तस्वीर। जमीन पर बेसुध पड़ा एक शख्स और उसे घेरे खड़ी हैं दर्जनों महिलाएं। गुस्से से भड़की महिलाओं की भीड़ जमीन पर पड़े शख्स को बेरहमी से धुन रही है। ज्यादातर महिलाओं के हाथों में मोटी मोटी लाठियां हैं जो जमीन पर पड़े शख्स पर बरस रही हैं। ये शख्स भाग न सके इसके लिए इसके दोनों हाथ रस्सी से पीठ की ओर बांध दिए गए और इसके पैर में भी एक रस्सी बांध दी गई। इसके बाद इन रस्सियों से शख्स को जमीन पर घसीटा जा रहा है और गुस्से से भड़की महिलाएं इसके साथ गाली गलौज करती हुई इसे लाठियों से जमकर पीटने लगती हैं। जब एक महिला लाठियां बरसाकर थक जाती है तो दूसरी महिला लाठी लेकर इस पर टूट पड़ती है। झारखंड के दुमका की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं क्योंकि भीड़ की इस बेरहमी में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। भीड़ के इस गुस्से की वजह है शख्स पर लगने वाला आरोप। पीटने वाले शख्स पर एक नाबालिग से रेप और उसकी हत्या करने का आरोप लगाकर रामगढ़ थाना इलाके के लोगों ने इसकी सरेआम इस तरह पिटाई की, यहां तक कि शख्स ने दम तोड़ दिया। हिंसक भीड़ की इस दरिंदगी की भनक पुलिस को भी तब लगी जब ये वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अब इस वीडियो के जरिए इस शख्स को पीटने वालों की तलाश में जुट गई है। जादवे हत्याकांड में जो वीडियो वायरल के बारे में सुन रहे हैं उसके बारे में अभी तो मेरे पास वो वीडियो नहीं आई है, लेकिन मैं इसके लिए छानबीन करूंगा। छानबीन करने पे जो भी उस वीडियो में होंगे, जो भी दोषी होंगे, उसे चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस शख्स पर एक मासूम से दरिंदगी और उसकी हत्या का इल्जाम था, लेकिन इस बात की तस्दीक और फिर इसे सजा देने का हक कानून का था, लेकिन भीड़ खुद ही कानून बन गई और जज बनकर सुनाने लगी फैसला। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस भीड़ को कानून का खौफ क्यों नहीं रहा? कानून हाथ में लेने का हक भीड़ को किसने दिया? आज तक ब्यूरो। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से झारखंड के दुमका में भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेकर इंसाफ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तस्वीर ऐसी ही रांची में भी दिखी जहां भीड़ ने एक व्यक्ति का इंसाफ किया। हालांकि मरने वाला शख्स आरोपी था, लेकिन सिर्फ आरोपी हो जाने से क्या भीड़ को यह हक मिल जाता है कि वो इस तरह से सजा दे? सिर से पांव तक कीचड़ से सने इस शख्स पर बेरहमी से टूट पड़ा पूरा गांव। इसे किस बेरहमी से पीटा गया इसका सबूत इसका पूरा शरीर दे रहा है। गुस्साई भीड़ ने इसे लाठियों से पीटा। गुस्सा शांत ही हुआ तो लाठियों से इसकी जमकर पिटाई की। ये भीड़ बेकाबू है, देखिए किस तरह इसके गुनाह का इकरार इसी की जुबान से मोबाइल में कैद करने की कोशिश भी हुई। हालांकि शख्स ने एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ कराहता रहा। इसके जिस गुनाह को ये बेकाबू भीड़ अपने तरीके से इंसाफ देने में जुटी है वो है बीवी की हत्या का आरोप। ये झारखंड के साहिबगंज में राजमहल इलाके का डकैत टोला गांव है। भीड़ का इल्जाम है कि 25 साल के असातुल शेख नाम के शख्स ने अपनी बीवी का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। जैसे मुझे झपा बस वहां से चाकू मार दिया, पहले से मौजूद था। रोने लगा माए, हमको सद्दा मारी की हिदम कोली सद्दा हमारा
सद्दा मारा सदू दो आदमी हमको चाकू मार दिया, माँ मेरा लड़का रहा तुम देखभाल करना, बस गिर गया, गिर के जीवा निकाल दिया, दम तोड़ दिया। परिवार के मुताबिक असातुल ने 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से उसका बीवी से झगड़ा होने लगा। 5 दिन पहले ही दोनों में तलाक हुआ था, लेकिन रविवार की रात इसने पत्नी की हत्या कर दी। इस बात से भड़की भीड़ के अंधे कानून ने पीट पीट कर इस शख्स को भी मौत की सजा दे दी। पुलिस ने भीड़ का शिकार हो चुके इस शख्स के भाई पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही असातुल नाम के इस शख्स को पीट पीट कर मारने के इल्जाम में अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। धर्मवीर, रांची आज तक। देश के सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक अपील कर चुके हैं, नसीहत दे चुके हैं, लेकिन उसका असर जमीन पर होता दिख नहीं रहा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें।